देवास जिले के बागली पुलिस ने उफनते नाले में बहे वैन सवार दो और यात्रियों के शव मंगलवार को बरामद कर लिए। दोनों यात्रियों के शव नाले में झाड़ियों में फंसे मिले। गौरतलब है कि सोमवार को डहरिया में उफनते नाले में मारुति वैन सवार पांच लोग बह गए थे, जिसमें एक 14 साल के बालक ने तैरकर अपनी जान बचा ली थी, जबकि वैन सवार चार यात्रियों की मौत हो गई। बागली एसडीएम अरविंद चौहान ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रूपये की सहायता राशि देने के लिए प्रकरण तैयार कर लिया है। एक मारुति वैन जिसमें डहरी के नदी नाले में 8 बजे से लोग आ रहे थे और कई नदी में चली गई, जिसमें से एक बालक जो है तो उस अर्जुन नाम का बच के बाहर आ गया था। बाकी 4 लोग बह गए थे, जिसमें से 200 करीब बरामद कर लिए थे और 2 सवा बरामद आज मिले। पूरे 400 मिल चुके हैं। 400 को पीएम को तवाना कर दिया, पीएम हो गया उनका इंतजार हो गया। 100 जो बचा था महिला कस्तूरी बाली गाँव में के लिए पी एसी बाली, उसका सुबह पीएम होगा सर करके जाएगा। सर ये तो प्रशासन की ओर से कुछ मदद के लिए संस्था जिनको 4 लाख का बता रहे हैं, 4 लाख मिलता है जिसके ऊपर काम करेंगे।